हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है द इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी सुना होगा, टेंथ क्लास में हमारा ये चैप्टर था, ट्वेल्थ में भी था। तो हम लोग अब देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो ये क्या है, केमिकल मैसेंजर सिस्टम है। यानी इसमें क्या होते हैं कि केमिकल क्या है, हार्मोन है। ठीक है, तो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, और डिफरेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, उनमें डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और उन हार्मोन्स का एक्शन क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो फ्लो करता है। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करके, और जहाँ उसका टारगेट है यानी जिस ऑर्गन को उसे अफेक्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे अपना एक्शन दिखाना है, वहाँ पे वो जाके और अपना एक्शन दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और डायरेक्टली उसको ब्लड में रिलीज करता है, और फिर वो ब्लड के थ्रू टिश्यू के पास जाता है और जिस ऑर्गन पर उसे अपना इफेक्ट दिखाना है वो दिखाता है। ठीक है, हार्मोन क्या है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी जितने भी ज़रूरत वाले मैसेज हैं, इसेंशियल मैसेजेज, वो बहुत दूर दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस इफेक्ट ये दिखाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में लगभग 50 तरह के हार्मोन होते हैं, और वो हमारे डिफरेंट मतलब 12 डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू वो सिक्रीट होते हैं। और ये हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर हैं, यानी एक तरह के केमिकल हैं। ठीक है, जो कि उन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और अपने टारगेट साइट पे यानी जिस ऑर्गन पे उसे अपना इफेक्ट दिखाना है वहाँ पे वो अपना एक्शन करेंगे। ये क्या है कि इसका जो प्रोसेसिंग का लेवल यानी इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, वो हमारे एक सिंगल सेल से लेके हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स तक रहेगा। ठीक है, सेल तो सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, सेल से टिश्यू से हमारा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारा पूरा बॉडी। ठीक है, तो ये पूरे लेवल पे यानी बहुत ही ज़्यादा लेवल पर ये अपना इफेक्ट दिखाता है, हमारा जो है सिंगल सेल के ग्रोथ से लेके हमारे पूरे बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ यही देखता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, ये डक्टलेस होता है, यानी इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है। हमारे बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक इंडोक्राइन सिस्टम और एक एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि डक्ट होते हैं, ठीक है, और इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि उसमें डक्ट नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली जो है हार्मोन को वो ब्लड में रिलीज कर देता है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि इसका जो अफेक्ट होता है वो इसके टारगेट साइट पे ही होगा, जहाँ पे ये अपना अफेक्ट दिखाएगा और उसके एक्टिविटी को रेगुलेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम लोगों ने देखा कि इंडोक्राइन सिस्टम का कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा और वो कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, और वो किस किस ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होगा वो मैं आगे बताऊंगी। तो अब हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ काम करता है, लेकिन उन दोनों का जो स्पीड है वो बहुत अलग है। नर्व्स जो होते हैं, नर्व फाइबर नर्वस सिस्टम में होते हैं, ठीक है, और इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन होगा। तो नर्व्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी अपना एक्शन मतलब एकदम बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन उसका जो एक्शन होगा वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और वही हार्मोन को देखें तो वो धीरे धीरे ही करेगा, लेकिन महीनों सब तो घंटों बहुत मतलब बहुत दिन तक वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है, उसका एक्शन जल्दी ख़त्म नहीं होगा। हार्मोन जो है हमारे बॉडी में वो क्या करते हैं कि बहुत तरह की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, वो क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म भी वही करेंगे। ठीक है, मतलब केमिकल सब्सटेंस जो आ रहे हैं यानी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्म में लाना। ठीक है, फ्लूड का बैलेंस करना, यूरिन प्रोडक्शन करना, हमारे बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ यही देखता है हार्मोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। ठीक है, वो सब कुछ क्या करता है कि हार्मोन देखता है। अब हम लोग डिफरेंट ग्लैंड्स को देखेंगे जो कि हमारे बॉडी में हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं ब्रेन पे, ऊपर से शुरू करते हैं। ब्रेन है, ब्रेन में तीन तरह के होते हैं, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद नेक में आए तो नेक में थायराइड और पाराथायराइड होता है। थायराइड जो दोनों तरफ एक मतलब पक्षी की तरह दिख रहा है ना वहाँ पे नेक में, उसमें दोनों साइड दो दो लोब होते हैं, चार लोब होते हैं जो कि पाराथायराइड ग्लैंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग आ जाएं हमारे अगर चेस्ट में थॉरेक्स रीजन में, तो उसमें हमारा थाइमस ग्लैंड होता है और हमारा हर्ट होता है, हर्ट भी सिक्रीट करता है हार्मोन को। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है एब्डोमेन रीजन में देखें तो एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा, पेनक्रियाज जो है वो, इंटेस्टाइन हो गए, फिर ओवरी, टेस्टिस, सब कुछ जो है वो सब
हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है। 12 तरह के यहाँ पे मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाए गए हैं और उन लोगों के फंक्शन में मैं बता देती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है कि रिलीजिंग फैक्टर को वहाँ पे रिलीज किया, ठीक है, और वो क्या करता है कि ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करेगा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस मेन कंट्रोलर सेंटर है, ठीक है, वही रिलीज करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड है ही, फिर वो सारे मतलब ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और फिर हमारा आता है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये हमारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है जो कि हमारा सोना उठना ये सब जो है एक्टिविटी और रिप्रोडक्शन ये सब को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक में आए तो थायराइड ग्लैंड, ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है जो कि हमारा जो है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा, मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर हमारा आता है थाइमस ग्लैंड थॉरेक्स रीजन में, तो थाइमस क्या करता है कि वो थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करेगा और ये इम्यून सेल को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा कि हमारा इम्यूनिटी जो होता है वो स्ट्रांग होता है। ये लिम्फोसाइट के मैच्यूरेशन में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएगा, तो ये हमारे क्या करवाता है उसमें हेल्प करवाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने में। अब हमारा नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे अचानक से डर जाना, अचानक से लड़ाई करने लगना, ठीक है, तो वो सब जो भी एक्टिविटीज है वो एड्रिनल हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन अभी इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अब हमारा ओवरी आ जाएगा। तो ओवरी क्या करता है कि हार्मोन को सिक्रेट करता है प्रोगेस्टेरोन और ओइस्ट्रोजेन, ठीक है। अभी एस्ट्रोजेन भी इसे बोलते हैं। ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर अब हम लोग देखें तो अब है हमारा क्या पैनक्रियाज है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है। ग्लूकागोन क्या करेगा कि वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज का लेवल, और जो हमारा इंसुलिन होता है वो डिक्रीज कर देता है ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जान गए, पेनक्रियाज जान गए, थायरॉयड ग्लैंड जान गए। पैराथायरॉयड का भी यही काम है कि वो क्या करता है कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है, मेंटेन करता है। अब हमारे क्या हैं कि अब हम लोग टेस्टिस को देखें तो वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है और क्या करेगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखें तो हमारे जो अदर में मतलब अदर ऑर्गन्स हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें हर्ट हैं, इंटेस्टाइन हैं और किडनी है, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक और हर्ट, ठीक है, चारों। तो हम लोग देखेंगे किडनी जो है वो क्या करता है कि इराइथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देगा, बढ़ा देगा। अब इंटेस्टाइन में भी बहुत तरह के हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे हर्ट का, तो हर्ट क्या है कि हर्ट भी जो है हार्मोन को सिक्रेट करता है, वो हार्मोन है एट्रियोपेप्टिन। ये इसको हम लोग दूसरे ऐसे कह सकते हैं ANF, एट्रियल नैट्रीयूरेटिक फैक्टर, या ANP, एट्रियल नैट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ANF या ANP, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन का काम है कि वो ब्लड वॉल्यूम को और प्रेशर को कम कर देते हैं, जिससे हमारा जो फ्लूड बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, हर्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। तो एट्रियो पेप्टिन जो हार्मोन है वो हमारे हर्ट का फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करता है। स्टमक में भी बहुत तरह के हार्मोन होते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन हो गया, इसमें भी बहुत हार्मोन होते हैं जो कि हमारे स्टमक के फंक्शन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारे हार्मोन्स के बारे में जाना और ये बारहो ग्लैंड के बारे में जाना। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी हम दिखा रहे हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पेनक्रियाज, थाइमस, ओवरी, टेस्टिस, ये सब एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है, भूख लगना, सोना, प्यास लगना, ठीक है, जितने भी मतलब अधिकतर इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल जो है वो ये कंट्रोल करता है। बॉडी का टेम्परेचर भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है।
और ये क्या है कि हमारा मास्टर ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को जो कि कैल्शियम के लेवल को और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, वही पैराथायरॉइड ग्लैंड भी हमारे कैल्शियम लेवल को कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि थाइमस क्या करता है। तो थाइमस जो है वो थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करता है और हमारे बॉडी में बीमारियों के प्रति एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देगा, ठीक है। और अब हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, कॉर्टिसोन को सिक्रेट करता है, जो कि हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, जैसे डर जाना, गुस्सा आना, लड़ाई करने लगना, ठीक है, ये सब एक्शन। और अब हमारा क्या है, तो देखिए ये सब इंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पाइनियल ग्लैंड ब्रेन में है, नेक में हमारा देखें थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है, थॉरिक्स रीजन में देखें तो हमारा थाइमस है, और अगर हम लोग एब्डोमेन रीजन में देखें तो पैनक्रियाज स्टोमिक एड्रिनल ग्लैंड किडनी ये सब हैं, इंटेस्टाइन है, ओवरी है, ठीक है, ओवरी भी है, टेस्टिकल्स हैं, ठीक है, प्लेसेंटा कब आता है, जब हम प्रेगनेंसी के टाइम होते हैं तब। तो ये देखिए दूसरा डायग्राम, जो आप डायग्राम बनाना चाहें शॉर्ट में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पैराथायराइड थायराइड एड्रिनल पैनक्रियाज ओवरीज टेस्टिस ये सब हैं इंपॉर्टेंट, ये सब मैंने इतने बार रिपीट करवा दिया कि आपको इसी में याद हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम किस किस बॉडी मतलब कौन कौन से हमारे बॉडी के फंक्शन हैं जो कि वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, हार्ट रेट हो गया, बीपी ब्लड प्रेशर हो गया, भूख लगना एपेटाइट, स्लीप एंड वेकिंग साइकिल यानी जगना सोना उठना ये सब जो है, बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, तो ये सब जो है वो कंट्रोल करता है इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो हार्मोन्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो देखिए इसमें लगभग 6 से 7 हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हमारा मास्टर ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। तो इसमें पहला है ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे फुल फॉर्म में आ सकते हैं, इतने डिटेल नहीं आते एग्जाम में, TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और PRL प्रोलैक्टिन, GH ग्रोथ हार्मोन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा कौन कौन सा है, LH और FSH, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये कम ज़्यादा होता है यानी इसको कंट्रोल करते हैं, TSH हमारे थायराइड को कंट्रोल करेंगे, प्रोलैक्टिन क्या है कि जो हमारा लैक्टेशन पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी तब ये होता है, ठीक है, सीक्रेट। अब हमारा देखेंगे कि ग्लूकागोन यानी कुछ हार्मोन्स हैं और उसके कौन ग्लैंड उसको सिक्रीट करता है और उसके फंक्शन क्या हैं, तो ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन ये हमारे पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं, और इसका ग्लूकागोन का काम है ब्लड में जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसके लेवल को बढ़ा देना, इंसुलिन का काम है कि उस चीज़ को कम कर देना, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल उसको कम कर देगा, ठीक है, दोनों जस्ट अपोजिट काम करता है लेकिन एक ही ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। तो हमारा नेक्स्ट है LH और मेलाटोनिन, तो हमारा LH जो है वो हमारा किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है, ये हमारे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब हमारा मेलाटोनिन है, ठीक है, मेलाटोनिन क्या होता है कि वो पाइनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, पाइनियल ग्लैंड हमारा ब्रेन में होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल को यानी सोना और जगना उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। हम लोग क्या होता है कि मेलाटोनिन ना रात के टाइम में वो क्या होता है कि सिक्रीट हो जाता है ज़्यादा, इसीलिए हम लोग सो जाते हैं, सुबह में क्या होता है कि वो कम हो जाता है, यानी जब सनलाइट पड़ता है हमारे आँख पे तो उसका क्या होता है कि फोटो रिसेप्टर जाके सिग्नल भेजता है तो वो कम हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे पाइनियल ग्लैंड देख लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिए, फिर से देखते हैं उसके फंक्शन को शॉर्ट में। अब हमारे पाइनियल ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, पैनक्रियाज, गोनेड्स में यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, टेस्टिस और ओवरीज। तो पाइनियल ग्लैंड क्या है कि वो हमारे रिप्रोडक्शन के टाइमिंग को कंट्रोल करेंगे, पहला फंक्शन, दूसरा हमारे डे और नाइट के रिदम को यानी रात दिन में जो सोना जगना है उसको,
फिर दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें हमारे कंट्रोल्स अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, रेगुलेट ग्रोथ एंड फ्लूड बैलेंस। समझ रहे हैं आप लोग, ये तो मास्टर ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, तो ये मास्टर ग्लैंड है, तो पूरे अदर जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको ये कंट्रोल करता है, हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, तो फ्लूड के बैलेंस को मेंटेन करेगा, ठीक है, फ्लूड बैलेंस करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट और कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। फिर हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। थाइमस क्या है कि वो लिम्फोसाइट को मैच्योर कर देता है, ठीक है, मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है। लिम्फोसाइट अगर अच्छा रहेगा, अच्छा बनेगा बॉडी में, तो हमारा इम्यूनिटी बढ़िया रहेगा, बीमारी से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को और मेटाबॉलिज्म को और हमारे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। अब हमारा किडनी आ गया जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा और कैल्शियम रेगुलेशन करेगा, ठीक है। इराइथ्रोपोइटिन जो है वो किडनी सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज क्या है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। अब गोनेड्स में आ गए यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो टेस्टिस क्या करता है कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, सपोर्ट करता है और रिप्रोडक्शन फंक्शन को। अब हमारा ओवरीज आता है जो कि फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिप्रोडक्शन फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट में। तो इस तरह से हमारा द इंडोक्राइन सिस्टम जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। जो इम्पॉर्टेंट टर्म थे, हार्मोन थे, उसके बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। तो इस तरह, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।